चलिए वो सभी हम लोग रेमेडी बाद में पढ़ेंगे। रेमेडी बहुत तरीके का है, तो एक एक करके जैसे जैसे लेवल हमारी कंप्लीट होगी ना, वैसे वैसे हम लोग रेमेडी भी करते जाएंगे। मैं क्या बोल रही थी, म्यूट हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे जैसे लेवल हमारी कंप्लीट होगी वैसे वैसे हम लोग रेमेडी भी करते जाएंगे, ठीक है। महावास्तु रेमेडी जो होगी वो रेमेडी हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन बीच बीच में क्रिस्टल की रेमेडी हो गई, कलर की रेमेडी हो गई, ये सब सब प्लांट की रेमेडी हो गई, ये सारे चीज़ें हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे। मैम येलो पत्थर लगाने के ग्रीन पत्थर बोले, ग्रीन येलो, बोले येलो मुझे किसी पत्थर। ना, येलो, ओके। मैम टेप भी लगाते ना, एल शेप में टेप। नहीं वो पत्थर ही जाएंगे ना। टेप तब होता है ना कि जब हम किसी चीज़ों को बांध देते हैं, मतलब वहाँ से जैसे अच्छा वॉशरूम में ये जनरली होता है कि हमें एनर्जी को हमें बांध देना है कि वो एनर्जी ओके। वहाँ से निकले ही नहीं। बट हम तो अग्नि का काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, अगर उसको बांध देंगे तो फिर हमारे मंगल का दोष आ जाएगा, ओके इसलिए टेप येलो पत्थर लगा देते हैं। और येलो पत्थर के ऊपर गैस स्टोव रख देंगे ना तो कलर ट्रीटमेंट देने लगता है। और उसके बाद से आप वो लगा लो, क्या बोलते हैं, मंगल से रिलेटेड आप कोई भी उपाय आप कर सकती हो। मंगल के रिलेटेड आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स हम रख सकते हैं, या फिर मंगल से प्यूसीफायर आता है, किचन रिमूवर आता है, वो हम लगा सकते हैं। किचन में अगर किसी भी तरीके का दोष है तो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके मैम। मैं 1 मिनट में आई हूँ, प्लीज स्टार्ट नहीं कर। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, भूमि के बारे में, यानी सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे कि सॉइल पैरामीटर होती है, कि सॉइल कैसा होता है, अगर गलत सॉइल है, गलत मतलब जो प्लॉट होती है उस प्लॉट की क्या रिमेडी करेंगे और कैसे उसको ठीक करके हम लोग वहाँ पे घर को बनवा सकते हैं अगर किसी तरीके का दोष निकला तो। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। आज कंटिन्यू करके बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वैसे तो जब क्योंकि हम वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए कि हाँ हमारा प्लॉट कैसा होना चाहिए। क्योंकि हर रेजिडेंट में हम अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, ऑफिस खरीद लेते हैं, ठीक है, बट हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी प्लॉट पर तो काम तो होता ही है। जब भी कोई प्लॉट पे काम करवाता है तो वास्तु कंसल्टेंट ढूंढता ही ढूंढता है, या फिर हम जितने भी रियल एस्टेट का बिजनेस होता है वहाँ पे भी वास्तु कंसल्टेंट एक होते ही होते हैं जो उस बेसिस पे वो लोग घर बनवाता है। तो सारे प्लॉट्स की हम लोगों ने बात की, रेमेडी की। अब देखते हैं कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं, बस जानने के लिए ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। आज आप लोग देखिए कि भूमि भूमि क्या होता है। तीन तरीके की भूमि हम लोग को, चार तरीके का भूमि हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग खरीदते हैं बहुत पुराना प्लॉट वॉट होता है तो वहां पे वो लोग बताते हैं कि कौन सा भूमि क्या है और किस तरीके का हमें फल देता है। अगर इन केस आपको ठीक है, आप खरीदने के टाइम में आप नहीं ध्यान दे रहे, बट होता है कि कभी कभी किसी किसी प्लॉट पे बहुत दुख तकलीफ बहुत होती है, ठीक है। कोई कभी कोई मकान है, उस मकान में कभी कोई चैन से रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनको हमेशा ही प्रॉब्लम आते रहता है। कुछ जो ये होता है प्लॉट होते हैं उसमें बहुत लोग सुखी रहता है, किसी प्लॉट पे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं उस तरीके से। अच्छा, कभी कभी आप लोग ये भी देखने को मिलेगा कि कोई कोई एरिया ही ऐसा होता है कि बहुत ही ऑस्पिशियस एरिया होता है, उसको मानते हैं कि हाँ इस एरिया का ये सारे जितने लोग रहते हैं बहुत, उस कॉलोनी के लोग बहुत खुशी खुशी से, चाहे उस कॉलोनी के लोग कोई भी खुश नहीं है, चाहे कुछ लोग गरीब कॉलोनी भी बनता है। आप ध्यान रखना कि कोई कोई ऐसी भी कॉलोनी होती है जो गरीब टाइप की होती है, जो जाति के तौर पे उसको हम लोग बांट देते हैं। ये जैसे मेरा ससुराल है मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ इस तरीके से बहुत सारे देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे जाति के थ्रू बांट लेता है, जैसे कायस्थ, हम लोग कायस्थ है, तो कायस्थ वाले लोग एक जगह पर रहने लगता है, राजपूत एक जगह पर रहने लगते हैं, उस तरीके से जो मतलब बहुत नीचे के जो कास्ट होते हैं वो अलग जगह पे अपना रहने लगते हैं। श्वेता आप म्यूट कर लो, है ना। तो होता है कि ब्रह्मा पहला जो होता है, ब्रह्मा
ऐसा जो प्लॉट होता है, ये ऐसा प्लॉट में लोग बहुत ही सुख, मतलब हर तरीके का सुख मिलता है। जो ब्रह्मा वाली प्लॉट होती है वो हर तरीके का सुख मिलता है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रह्मा का प्लॉट है? तो उसको पहचानने के लिए वो सारे टेस्टिंग में अगर वो पास हो जाता है, जितने भी टेस्टिंग इसके लास्ट वाले क्लास में बताई थी, सारी टेस्टिंग वो अगर वो क्लियर कर लेता है। दूसरा, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, थोड़ा सा वाइट वाली मिट्टी होती है, सफ़ेद एकदम से वाइट मिट्टी नहीं होगी, बट मिट्टी में भी जिसमें व्हाइटनेस ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, मैम कौन सा प्लॉट बोल रहे प्लॉट टोटल 4 तरीके का है। जस्ट जब हम लोग प्लॉट खरीदते हैं ना, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पहला हो गया ब्रह्मा प्लॉट, ब्रह्मा भूमि। ठीक है, व्हाइट कलर का रहता है उसकी मिट्टी, और उसमें से खुशबू आती है, उस मिट्टी से फ्लावर वाली खुशबू आएगी। ठीक है, तो वो एक पहचानने का हमारा तरीका है कि ये ब्रह्मा है। और बाकी सारे पैरामीटर पे अगर पास हो जाता है तो उसको बोलेंगे ब्रह्मा। जो भी 3 4 जो पैरामीटर आप लोगों को बताई थी, अगर सारे पैरामीटर पे अगर वो पास हो गया तो उसको बोलेंगे। अब आता है दूसरा, आता है क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय ये जो होता है रेड ब्लड होता है। रेड ब्लड मतलब लाल वाली मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी बहुत जगह पे मिलेगा, लाल मिट्टी। वो मिट्टी में बोला जाता है कि वहाँ पे खून, मतलब जब क्षत्रिय लोग बहुत युद्ध करते थे, लड़ाई झगड़ा करते उड़ते थे, तो उस टाइम में उनकी वो प्रमाण होती थी कि ये क्षत्रिय की, या फिर एनिमल्स को काटे काटे हुए या कुछ भी उस तरीके को, तो क्षत्रिय की होती है। उसमें से जो स्मेल भी आएगी ना, ब्लड वाली स्मेल आती है उस मिट्टी में से, अगर स्मेल भी करेंगे तो ब्लड वाली स्मेल आती है। ऐसा प्लॉट जो होता है ना, राज्य योग दिलाता है। ये सारे प्लॉट राज्य योग दिलाने वाले होते हैं, गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, पॉलिटिकल सेक्टर में ऐसे लोगों को ज़्यादा भेजा जाता है। तो वो सब वैसे प्लॉट पर जनरली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि कॉलोनी बन गया, गवर्नमेंट जॉब वाले या पॉलिटिकल जॉब वाले बन जाते हैं, या बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति भवन बन गया, फिर या फिर नेता लोग का रहने वाला जो एरिया होता है वो सब सारे बन जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट वाला जो प्रोजेक्ट ये सब होता है वो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बन जाता है। तीसरा जो प्लॉट होता है उसको बोलते हैं वैश्य, वैश्य। ठीक है, वो क्या हो गया, एसिडिक। उसमें से जो स्मेल आती है, वो स्मेल एसिडिक टाइप के स्मेल आती है, उसको बोलते हैं ग्रीन मिट्टी। ग्रीन मिट्टी होता है वहाँ पे, उसकी पहचान एक तो ये है कि एसिडिक उसका स्मेल आएगा, ग्रीनिश उसमें होगी मिट्टी, और बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब हरे हरियाली से भरा हुआ वो रहेगा। वो बहुत उपजाऊ होते हैं, मतलब बिना कुछ रोपे हुए, बिना कुछ डाले हुए भी वहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते होते, छोटे छोटे झाड़ झूड़ वो सब लग ही जाते हैं। अगर 1 हफ्ता भी उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो उस जमीन को बोलते हैं कि धन धान्य से भरा हुआ रहता है वहां पे। जो भी रहने वाले लोग हैं, कभी उनको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरा हो गया, लास्ट हो गया शुद्रा। शुद्रा शुद्रा ये मिट्टी होती है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक मिट्टी। शुद्रा इसको बोलते हैं कसैला। इसमें से स्मेल जो आती है कसैला स्मेल आती है। ठीक है, जब इस मिट्टी का स्मेल करेंगे तो कसैला। ये मिट्टी जो होती है रोग देता है, भय देता है, कष्ट देता है, यानी कि रोग ऋण एंड शत्रु ये मिट्टी देता है। यहाँ से जनरली जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं उनको बीमारी कुछ न कुछ करके बीमारियां होती रहती है, या फिर ऋण यानी कर्जे में वो डूबे हुए रहते हैं, और ऐसे लोगों के दुश्मन भी हो जाते हैं, दुश्मन भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो रोग से बीमारी से जब जुड़ रहेंगे तो फिर दुश्मन कहाँ से आएंगे, फिर दुश्मन नहीं के बराबर ही रहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि हाँ इस तरीके से आ जाते हैं। अब आते हैं इसके बाद का जो है, इसके बाद की बहुत सारे जब हम लोग प्लॉट लेते हैं, यानी कि प्लॉट का हम देखेंगे दिशा के हिसाब से कहीं पे प्लॉट ऊंचा है नीचा है। ठीक है, मान लो कि जनरली हम लोग अच्छा प्लॉट मानते हैं जो स्क्वायर प्लॉट होता है या रेक्टेंगल प्लॉट होता है, ये प्लॉट सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है। तो इसमें अगर ये सपोज ये डायरेक्शन है ये प्लॉट की, तो कभी कभी क्या होती है, ये वाला एरिया जो होती है थोड़ा ऊंचा है या नीचा है, चाहे ये एरिया ऊंचा है या नीचा है, डिपेंड करता है ऊंचा नीचा एरिया, उस हिसाब से रहते ही है कोई ना कोई प्लॉट में, अगर लक्की है कि जो एरिया चारों तरफ से एरिया बराबर मिल गया।
इसका क्या मतलब है? अगर सपोज इन केस इस टाइप का अगर प्लॉट आता है तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे जब बड़ा बड़ा प्लॉट आज भी देखने के लिए कोई जाता है तो क्या होता है कि धंसा हुआ है, ये साइड का एरिया धंसा हुआ है, चाहे वहाँ पे नहर है या पानी है या लोग कुआं खुदवा के रखे हुए हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ काम वहाँ पे हुआ रहता है, बड़ा जो रहता है ये ऊंचा। अभी बंगाल में तो इस तरीके का बहुत सारे प्लॉट ऐसा देखने को मिलता है। तो इस वाले एरिया क्या बोलते हैं इसको? ओके अगर नॉर्थ नॉर्थ में अगर इस तरीके का है, नॉर्थ में अगर नीचा है, ये एरो से आप लोग समझना कि नीचा और अपर एरो होगा तो उसको समझना है। अगर नीचा है तो यहाँ पे धन धान्य देता है, यानी धन की लाभ होती है। अगर नॉर्थ में नीचा है तो धन की लाभ होती है। वो आप लोगों को चार्ट में भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? आप लोग लिखने के इस बात को, चीजों को समझो। अगर नॉर्थ में डाउन है, नीचा है, तो यानी कि वहां पे धन धान्य मिलेगा, लेकिन जैसे ही अगर ये ऊंचा हो गया तो ये क्या हो गया, धन की हानि हो जाएगी, धन की हानि हो जाएगी। इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक ये है। यही चीजें हम फॉलो करते हैं, अपने फ्लैट में भी फॉलो करते हैं, ठीक है? तो फ्लैट जब हम लेते हैं तो कट एंड एक्सटेंशन जब आएगा चैप्टर, तब कट एंड एक्सटेंशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एरिया कटा हुआ है या जो एरिया भरा हुआ है। अब सबकी अपनी अपनी फ्लैट है, आपने देखना है कि कहीं ना कहीं कुछ कट रहता है, कहीं ना कहीं भरा हुआ रहता है। कोई भी फ्लैट ऐसा एकदम से कंप्लीट नहीं बनता है कि पूरी स्क्वायर में रेक्टेंगल में लोग बना के दे दिया। तो जब ये ऊंचा रहेगा, तब ये ऊंचा रहेगा तो क्यों धन की हानि होती है? क्योंकि हम लोग क्या है कि नॉर्थ को बहुत ही ऑस्पिशियस जोन मानते हैं, यानी कुबेर का जोन, कुबेर की एरिया मानते हैं। जब ये एरिया ऊंचा हो गया तो क्या होता है, यहाँ के एनर्जी की फ्लो जो होती है, फ्लो रुक जाता है, ठीक है? जब किसी चीज को ऊंचा कर देंगे तो वहां से फ्लो रुक जाएगी, एनर्जी नहीं आएगी, तो धन की हानि होना शुरू हो जाता है। बट जब यही एरिया नीचे होता है तो वहां से फ्लो बराबर आती है। बराबर आने के कारण क्या होता है कि धन धान्य से वो घर, वो मकान, वो बना हुआ रहता है। अब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये भी एरिया जैसे क्या बोलते हैं, ईशान कोण, यानी भगवान कोण को इसको मानते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर एरिया बढ़ा हुआ है, एरिया यानी कि मतलब नीचे की तरफ है, यानी डाउन है नॉर्थ ईस्ट, तो ज्ञान का लाभ होता है। क्या होता है, ज्ञान की लाभ होती है, यानी उस घर में जो भी रहने वाला रहता है कभी भी गलत काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये एरिया बढ़ा हुआ रहेगा वहां पे उसको दुख, उस घर में किसी न किसी कारण से लोग दुखी होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत लोग वास्तु जो कंसल्टेंट होते हैं ये सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है? तो ये चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जब हम लोग बिल्डिंग का भी जब जाते हैं तो हमें बिल्डिंग का क्यों हम सर्वे करने जाते हैं, सर्वे करने इसीलिए जाते हैं कि ताकि हम प्लॉट को देखें, आगे निकल रहा है जो रोड को देखें, रोड की डायरेक्शन कौन सा वो हम देखें, घर का आस पास का मंदिर है, स्कूल है, ये सारे माहौल को हम लोग देख के आते हैं। अब आते हैं ईस्ट। ईस्ट की एरिया अगर नीचा है, ये भी क्या है, ऑस्पिशियस जोन है, आप लोगों को मालूम है ईस्ट भी काफी ऑस्पिशियस है। अगर नीचा है तो यहाँ पे शुभ फल मिलता है, शुभ फल मिलता है, ठीक है? लेकिन अगर ये ऊंचा हो गया तो पुत्र की हानि होती है, पुत्र की हानि होती है, या तो पुत्र संतान होके मर गया या मिसकैरेज हो गया, या संतान है तो संतान में कोई ना कोई कमी है, या कमी नहीं भी है तो वो संतान का सुख नहीं दे पाता है, ठीक है? ये सारे पैरामीटर वहां पे लागू होंगे। अब आते हैं साउथ ईस्ट, ये जोन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या होता है, आग से, आग वाली एरिया, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट को। तो ये एरिया अगर नीचा है, अब यहाँ पे उल्टा आ गया, जो ऑस्पिशियस जोन था ये देखो आप लोग अलग हो गया। अगर ये नीचा है तो ये आग से भय देगा, हमें यहाँ पे ऊंचा चाहिए, ऊपर चाहिए, ताकि वहां की एनर्जी को रोके, वहां की एनर्जी को घुसने ना दे, खाली निकलने का सोर्स रहे कि हमारे घर में जो भी बुरा एनर्जी है या एंटी एलिमेंट काम हो रही है उस एनर्जी को वहां से निकालना है, उधर की एनर्जी को हमें घुसाना नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, अगर नीचे रहेगा तो आग से भय होगा, अगर ये ऊपर ऊंचा रहेगा इधर की प्लॉट जमीने तो क्या हो गया, धन का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, ठीक? साउथ में अगर ये एरिया नीचा है तो मृत्यु का कारक बनेगा,
किसी न किसी से मृत्यु का कारक बनेगा, किसी न किसी के कारण। अगर ऊंचा है तो हेल्दी आदमी रहता है, स्वास्थ्य अच्छी रहती है, किसी भी तरीके का बीमारी का भय नहीं होता है। साउथ वेस्ट अगर नीचा है तो फिर धन की हानि होगी, धन हानि होगी। अगर यही ऊंचा है तो पुत्र का लाभ होगा, धन धान्य का वृद्धि होगी, पुत्र लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि और पुत्र लाभ। पुत्र लाभ यानी कि साउथ में जो रहने वाले होते हैं ना, वो मालिक वाली टेंडेंसी, यानी कि जिस घर का आदमी लोग साउथ वेस्ट में जो रहता है, ऐसे भी बोलते हैं कि जो सबसे बुजुर्ग है या कमाने वाला इंसान है, ठीक है, जो कमा रहा है उसको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ होती है अच्छी और वो घर को अच्छे से संभाल पाने की उसमें क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, यानी क्या हो गया, अच्छा बेटा बन गया, अच्छा बेटा बना तो माँ बाप को भी सुखी रखेगा और अपना जो परिवार उसका है, बीवी बाल बच्चे, उसको भी सुखी रखेगा। तो धन धान्य की वृद्धि होगी और पुत्र का लाभ होगा। अब आते हैं वेस्ट, ठीक, वेस्ट भी क्या मानते हैं, ये दो ऑस्पिशियस जोन हो गया और ये दो अनऑस्पिशियस जोन हो गया। तो वेस्ट को, वेस्ट अगर ऊंचा है तो क्या हो गया, संतान पुत्र का लाभ होगा, अगर ऊंचा है तो संतान और पुत्र का लाभ होगा, और नीचा है तो पुत्र की हानि होगी, नीचा होगा तो पुत्र की हानि होगी। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट अगर नीचा है तो घर में कम लोग रहेगा, ऐसे लोग जो होते हैं घर बनवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उस घर में रहने का सुख उनको नहीं मिलता है, घर में कम रहना होगा। और अगर यही ऊंचा है तो क्या हो गया, द्रव्य की हानि होगी। द्रव्य हानि मतलब कि रखा हुआ चीजें जो होता है, सोना हो गया या कोई भी मेटल एलिमेंट हो गया या लिक्विड चीजें, उसकी हानि होगी। तो द्रव्य हम लोग लिक्विड चीज में जनरली एसेट को मानते हैं, और दूसरे चीजें जो हमारे घर में जो सेविंग मनी है, सेविंग मनी को भी कहीं ना कहीं द्रव्य के तौर पर मानते हैं, तो उसकी हानि होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप बोलो, कोई भी इससे रिलेटेड अगर डाउट है तो। मैम फ्लैट में कैसे पता चलेगा कि ऊंचा है कि नीचा, जैसे हम फ्लैट में कोई देखने गए? फ्लैट तो आखिर किसी न किसी जमीन पे तो बना हुआ है, ठीक है, तो जमीन का जस्ट हम ऐसी बस एक ओवरव्यू जमीन का ले लेंगे, थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होगा। और दूसरा, जब हम फ्लैट का रेसिडेंशियल जब फ्लैट का काम देखेंगे तो उसमें कट एंड एक्सटेंशन देखते हैं कि कहाँ से फ्लैट वाली एरिया कटा हुआ है और कहाँ से बढ़ा हुआ है। ठीक है, जब कट एंड एक्सटेंशन टॉपिक आएगा तो उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस मान लो कि ये स्क्वायर का प्लॉट है या फिर कटा छटा जैसा भी प्लॉट होता है, हम लोग जब डिजाइनिंग यानी मैपिंग करने जाते हैं तो उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल इस टाइप का शेप हम लोग बना के और तभी उसकी मैपिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे में भी हम लोगों को मालूम चल जाता है कि हाँ कौन सा एरिया, अब सपोज कि जहाँ पे पानी लगी हुई है, पानी है, पोखर है, जैसे हम लोग भी यहाँ रहते हैं तो एक साइड में पोखर है, तो पोखर है तो कितना भी उसको भरेंगे तो वो एरिया डाउन हो गया। ठीक है, वो डाउन हो जाता है। कुछ एरिया में होता है कि पहले से काम हम किया हुआ या कुछ भी ऐसा एक ऊंचा हो जाता है, ऑब्वियस है कि वो डाउन हुआ तो ये नीचे ऊंचा हो गया, दूसरे साइड का ऊंचा हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्लॉट में रहता ही रहता है, उसको उस चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख के रिमेडी करके ही फिर बताएंगे। मैम तो अगर हम नया घर लेंगे तो पानी डालेंगे तो पानी क्या फ्लो में आ रहा है, ऐसा करना होगा? मकान फ्लैट? हाँ मकान, हाँ फ्लैट, फ्लैट में नहीं देखेंगे, ये सब जमीन की बातें बता रही थी मैं आप लोगों को। ओके ओके, क्योंकि आप वास्तु कंसल्टेंट आप बन रहे हैं तो सिर्फ फ्लैट ही थोड़ी देखना होगा, पहले तो हम लोग शुरू से चलेंगे, जमीन से देखेंगे, जमीन का पैरामीटर देखेंगे, जमीन। आज ही सुबह में मेरे पास एक क्लाइंट आई थी कि जमीन देख रही है, जमीन लेना है, तो एक बार चल के देख लेना कि वास्तु के हिसाब से जमीन सही है कि नहीं है, ठीक है, अग्रीमेंट के पहले। तो जमीन तो लोग लेते ही लेते हैं, आज नहीं तो हर किसी के पास जमीन होता है ना। क्लियर, आगे बढ़े। श्वेता क्लियर है? जी मैम, जी मैम। मैम फ्लैट का क्या बोले कि फ्लैट का हम लोग मतलब जब कट्स वाला करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ एक्सटेंशन में, ठीक है जी जी। ये भी जी, बहुत जरूरी था टॉपिक जिसपे आप लोगों को थोड़ा एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना है ना।
अगर इनकेस आप लोग के घर के आसपास में ज़मीनें हैं तो उसको भी एक बार आप लोग देख लेना, ताकि प्रैक्टिकली आप लोगों को नॉलेज हो जाए। अब मैम जो आपने दोष बताए, फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे, तो उसमें सोल्यूशन भी होगा ना? हाँ, सॉल्यूशन भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन कितना भी आप ये जान जाओ कि हम लोग कंसल्टेंट है ना, हम लोग क्लाइंट को नहीं बोलेंगे, बट एज ए कंसल्टेंट कभी भी कोई भी रेमेडी जो होता है 70 से 70% मैक्सिमम काम करता है। ठीक है, मतलब जो कलर का है, कलर अगर हम लोग रेमेडी देते हैं तो कलर रेमेडी वो मोस्टली आपको 50 टू 60% कलर का काम करता है। महावास्तु जो होता है 70 से 80% काम करता है। क्रिस्टल रिमेडी भी 60% तक वो काम करता है। सब वो अलग अलग थोड़ा 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 इस तरीके से है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसके हिसाब से रिमेडी अच्छे से कर दें। मैम अगर समझो फॉर एग्जांपल फ्लैट के लिए दो दरवाजे हैं, दो फ्लैट एक साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन एक डोर बंद कर दिया, एक डोर ऑन है, ओके। अगर वो बोला कि वो डोर प्रॉपर नहीं है, जो बंद है उसको ऑन चालू कर दो, तो फिर बाद में बोल रहे कि अगर नहीं हो सकता, क्योंकि बेडरूम और सारा कुछ उस हिसाब से अरेंज्ड है, तो अगर वैसे नहीं हो सकता है तो फिर कुछ सोल्यूशन होता है उसका? हाँ, होता है। उसके लिए क्या करते हैं ना, हमने एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल डोर जो बोलते हैं ना, हाँ, वो हम लोग वॉल को क्रिएट करते हैं। जैसे जब जैसे मैं गेट पर आऊंगी ना, टोटल गेट पर आऊंगी, ओके, हाँ, मतलब हर चार दिशा का गेट जो होता है, नौ नौ, मतलब अगर सपोज के नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ वन, N1, N2, N3, N4, 9, ऐसे करके। लेकिन वो वर्चुअल वॉल कितना फिर, मतलब वो भी परसेंटेज वाइज ही हेल्प करेगा? हाँ, नहीं, वो काम करता है, मतलब ऑलमोस्ट 36 टाइप के गेट होते हैं, ठीक है, टोटल 36 टाइप के गेट होते हैं। वो एक एक करके सारे गेट के बारे में मैं डिटेल बताऊंगी कि कौन गेट किस तरीके का देता है, फल देता है। जरूरी नहीं है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में अगर गेट है, हमारा नॉर्थ में ओपन गेट हो रहा है, तो अगर एक डिग्री भी बदल गया ना, तो फिर वो दोष अच्छा। देना शुरू कर देता है, तो फिर हमें वहाँ पे उपाय करने पड़ता है। और वहाँ पे आपको सिवाय महावास्तु का उपाय के अलावा कोई उपाय नहीं जाता। तो जब किसी गेट में कोई दोष आता है तो उसको महावास्तु से उस गेट को मतलब दोष को हम लोग ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद भी एक वर्चुअल वॉल को क्रिएट करते हैं, ठीक। वर्चुअल वॉल क्रिएट करने से क्या होता है, एक टाइम के बाद आपको उस वॉल को देखते 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 आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि यही आपका आने जाने का रास्ता है। भले ही आप दूसरा रास्ते से आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन ये सेट हो जाएगा कि आपका यही एक रास्ता है। महावास्तु क्या होता है? महावास्तु जब सारे वास्तु में से मिला दिया जाता है, मिला के जो रेमेडी होती है ना, जो बहुत मतलब पावरफुल रेमेडी होती है, जिसको लोग बोलते हैं मार्केट में कि 100% वो काम करता है। लेकिन क्या होता है ना कि मोस्टली लोग करवाना नहीं चाहता है। मकानों में तो लोग करवा भी लेता है, फ्लैट में जनरली लोग नहीं करवाना चाहता है। तो वो हम लोग महावास्तु हम लोग लास्ट में उसको देखेंगे उपाय। सारे चीजें यही रहता है, सब कुछ ट्रेंड यही होगा, बस उपाय जो होती है वही होता है। और महावास्तु वाले वाले लोग ये बोलते हैं कि सिवाय इस रिमेडी के अलावा कोई रिमेडी काम नहीं करेगा, चाहे जितना भी आप कोई भी रिमेडी करा लो, ठीक है। अब आते हैं शेप। तो जैसे कि मैं बताई थी कि कुछ ही शेप जो होते हैं ऑस्पिशियस होते हैं, ये आप लोग बना लो, ठीक है, कॉपी में आप लोग ड्रॉ कर लो। कुछ ही शेप जो होते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। जब हम लोग ड्रॉइंग बनाना चालू करेंगे, अगर सपोज हमारे पास फ्लैट आ गया, फ्लैट की मैप आ गई, तो जब हम लोग मैपिंग करना शुरू करेंगे इधर शक्ति चक्रा से या फिर डायरेक्ट में जब मैपिंग करेंगे, तो हम लोग शेप दो ही तरीके का लेते हैं, इधर हम लोग स्क्वायर में लेते हैं या फिर रेक्टेंगल में लेते हैं, जिसको अच्छा मानते हैं। क्या गया, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की जमीनें जो होती हैं या फ्लैट जो भी हो गया, ये वैभव और धन देने वाला होता है। मतलब इसको उत्तम उत्तम प्लॉट इसको मानते हैं, या फ्लैट आप बोलो उसको उत्तम में माना जाता है। जब हम लोग मैपिंग करते हैं, ये आप लोग इसी टाइम में ध्यान देना है कि जब हम लोग मैपिंग करते हैं, और मान लो कि किसी की फ्लैट, किसी का फ्लैट अगर सपोज कि उसकी प्लॉट मान लो कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे है,
इस तरीके से इसकी प्लॉट है, मतलब कहीं निकली हुई है, कहीं बैठी हुई है, कहीं पे ये, मतलब इस तरीके से कटा छटा प्लॉट है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ऐसा पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन इसकी कवर हो जाए। और जो प्लॉट, जो एरिया कट गया, जो एरिया को हमने नहीं लिया, इसकी कोई वास्तु नहीं होती है, ये छूट जाता है। अगर इस एरिया में कोई आदमी घर का से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको उसकी वास्तु का फल नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ भी घटना घट सकता है। ओके मैम, मैपिंग कैसे करेंगे, जैसे स्क्वायर की मैपिंग कैसे करेंगे? स्क्वायर की मैपिंग बताऊंगी, आगे चल के बताऊंगी, है ना। पहले आप लोग इसको देखो, ठीक। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो उसके हिसाब से हमें वो मैक्सिमम एरिया को लेना होगा कि कटे नहीं। बहुत लोग बालकनी का भी वास्तु कर देते हैं, बहुत लोग बालकनी को सोचते हैं कि मकान के बाहर है, फ्लैट के बाहर है, तो उसको वास्तु नहीं करते हैं, ठीक। अब आते हैं सेकंड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये भी या तो वर्गाकार इसको बोला जाता है, ये भी जो प्लॉट होती है ये भी उन्नति, यानी कि जो भी उस घर में रहता है उसको तरक्की देता है और इकोनॉमिकली काफी अच्छा होता है। इकोनॉमिकली काफी अच्छा मतलब वो दोनों ही प्लॉट काफी अच्छा होता है, धन धान्य से हो गया या फिर प्रमोशन से हो गया या समाज सोसाइटी में जहां भी रहे ना उनकी एक अच्छी पद पोजिशन होती है। राउंड प्लॉट भी होता है, बहुत लोगों का प्लॉट राउंड भी होता है। सर्कल में, सर्कल इसको बोलते हैं यश कृति। यश कृति वैभव समृद्धि और बहुत ही शुभ फलदायक प्लॉट माना जाता है। शुभ फलदायक प्लॉट माना जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं चक्राकर। चक्राकर, चक्राकर यानी कि यू यू यू, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे चक्राकर, इस टाइप का अगर प्लॉट बनता है इसको बोलते ही है चक्राकर। ये गरीबी का प्रतीक माना जाता है, मतलब जो कोई भी यहाँ पे रहेगा उसको फिनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला होता है, यानी अशुभ अशुभ भूमि माना जाएगा, अशुभ भूमि माना जाएगा। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल प्लॉट, हेक्सागोनल ये भी सुख संपदा देता है। सुख यानी कि कितने तरीके का सुख होता है, जनरली हम लोग तीन तरीके का ही सुख मान के चलते हैं कि फैमिली हमारी अच्छी हो, धन हो यानी फिनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं हो, और हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसको बोलते हैं सुख समृद्धि। तो ऐसे प्लॉट में भी सुख समृद्धि हमें मिलता है। अब आता है अंडाकर। अंडाकर ये जनरली ग्रोथ में बाधा देता है, ये ग्रोथ में बाधा देगा और धन की हानि करता है। ग्रोथ में बाधा और धन की हानि करता है। नाम आप लोग लिख लेना, नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे अच्छा इसका हम लोग क्या बोलते हैं। ये सिंह मुखा कर, सिंह मुखा कर इस प्लॉट को बोलते हैं, सिंह मुखा कर।
यानी ऐसे प्लॉट जो होते हैं बिजनेस पर्पस से, यानी कमर्शियल पर्पस से ये प्लॉट अच्छे माने जाते हैं, बिजनेस या कमर्शियल पर्पस से प्लॉट अच्छे माने जाते हैं। मैम मतलब एक साइड से ऐसा छोटा और पीछे से बड़ा वैसे, पर फिर आगे कौन से साइड में बड़ा होना चाहिए, कौन से कोई साइड नहीं, में ऐसा छोटा कुछ होना नहीं, चाहिए, ऐसा डजेंट कैसे, मैटर। कोई मैटर नहीं करता। अगर अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऑस्पिशियस वाला एरिया अगर हमारा बढ़ा हुआ तो ज़्यादा अच्छा, ओके, बड़ा हुआ तो और ज़्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा। अब ये त्रिकोण, त्रिकोण त्रिकोण ये ऐसा अगर प्लॉट होता है तो जनरली जो इस घर में जो लोग रहने वाले रहते हैं उनको राज का भय होता है, ठीक है, मतलब खोने का भय होता है, कुछ न कुछ इनको भय होता है, जॉब नौकरी जाने का भय होता है। और इस घर में रहने वाला आदमी जो होता है, जो इस घर का मालिक होता है या फिर संतान होता है, वो लोग 3-13 में रहने वाला होता है, ठीक है, 3-13 में, मतलब है नहीं कुछ, दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहा है, बर्बादी की तरफ, आगे वाले जनरेशन को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले लोग होते हैं। इसको बोलते हैं शक्ताकार, शक्ताकार, शक्ताकार। यह प्लॉट जो होता है दुख, दुख, अग्निकांड, अग्निकांड या अग्नि का कारक भी बोलेंगे, अग्निकारक या अग्निकांड, आर्थिक हानि पहुंचाता है, आर्थिक हानि पहुंचाता है, आर्थिक हानि पहुंचाता है। ये ड्रम का टाइप के जो है, यानी इसको ढोलक बोलेंगे, ढोलक, 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 ढोलक अथवा मृदंग। ऐसे घर में जो लेडी अगर रहेगी, कोई भी लेडी, फीमेल के लिए ये घर मृत्यु का कारक होता है, फीमेल के लिए मृत्यु का कारक होता है। और इस घर में रहने वाला आदमी जो होता है वो खाली रहता है, मतलब चाह के भी कितना भी कोशिश करता है, चाह के कुछ जोड़ नहीं पाता है, हमेशा ही कर्जे में डूबा हुआ रहता है। पंखा, पंखे की आकार का, पंखे की आकार का भूमि अगर होगा तो यहां भी गरीबी देता है, गरीबी देता है, गरीबी देगा। बो शेप में, यानी कि धनुषाकार, धनुषाकार, यह दुखदाई होता है, शत्रु का कारक होता है, और जो घर का मालिक होता है उसको गरीब बनाने का काम करता है, घर का जो मालिक है उसको गरीब बनाता है। अर्थ वर्तुल,
अर्थ, वर्तूल। ये जो प्लॉट होता है, जो घर का स्वामी होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, उनको चौराहे पे लाके खड़ा कर देना होता है। मतलब ऐसे कंडीशन में ले जाना कि जो चौराहे पे आके उसको खड़ा कर दे। तो चौराहे पे किसको खड़ा किया जाता है? जो बहुत कुछ गलत किए हुए रहता है, तभी तो वैसे कंडीशन में वैसा ये प्लॉट लेके चला जाएगा। रथ के आकार ऐसा जो प्लॉट होगा, घर के जो मालिक है बहुत ही कष्ट में रहना, और वो बोलते हैं ना कि दौरा दौरा के मारना, मतलब वो ऐसा कंडीशन उनके लाइफ में होगा जो दौरा दौरा के मार खाने वाला सिचुएशन पैदा हो जाएगा। दौरा दौरा कर मार खाने वाली सिचुएशन पैदा होगी। इस टाइप का जो प्लॉट होते हैं उसके मालिक दिवालिया निकलने वाला, मतलब उनकी दिवालिया निकल जाएगी, मालिक का दिवालिया निकल जाएगा। षटकारी, षटकारी ऐसा जो है कोई भी लाभ ना प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, कुछ नहीं देगा, कोई लाभ नहीं देगा, कोई फल नहीं देगा। कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं, कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं। वो कुकर वाला काजल दी, वो नहीं उसका, वो ये वाला एक ही है, दोनों नहीं है। कसने वाला होता है ना, ऐसा भी होता है। खासकर दुबई वुबई में ऐसा प्लॉट बहुत देखने को मिलता है। इस पे घर कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, ये बनाना कहीं से भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन समुद्री एरिया में, समुद्री एरिया के आसपास जो होटल बनाया जाता है, वो होटल बनाने के लिए फिर ठीक है, उस पे ये होटल हम लोग बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अष्ट कोणीय, अष्ट कोणीय। ऐसे जनरली इसको अशुभ माना जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता। लेकिन समुद्र किनारे अगर ऐसा प्लॉट अगर मिल रहा है तो लोग होटल बना लेते हैं, जो मल्टी स्टोरी जो होटल होती है। इस टाइप का अगर प्लॉट मिल जाए, शिवलिंग, शिवलिंग शेप का, इसको बोलते हैं शिवलिंग शेप। ऐसा अगर किसी को, तो रातों रातों आदमी उद्योगपति बनने का उसका बहुत स्कोप रहता है, कि है कुछ नहीं, बहुत जीरो लेवल का है, ग्राउंड लेवल का है, लेकिन वो बहुत बड़ा उद्योगपति अपने जीवन में बन जाता है। और मतलब जल्दी ही, मतलब छोटा भी काम में हाथ लगाया तो उसका काम बहुत बड़ा हो गया। मैम धीरू भाई अंबानी का घर मुंबई में ऐसे शेप में है शायद, हाँ है ना?
पता नहीं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है बाहर से। रिसर्च करने होंगे। नहीं वो बिल्डिंग दिखती है ना, ऐसी दिखती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट? टी शेप का भी अगर प्लॉट होता है ना, बहुत लोगों का टी शेप का भी प्लॉट होता है, ऐसा भी प्लॉट बहुत लोगों का होता है, बहुत देखने में। ये भी अच्छा नहीं मानते, टी शेप का भी प्लॉट को अच्छा नहीं माना जाता, ये भी कष्टकारक प्लॉट होता है, ये भी कष्टकारक प्लॉट होता है। ये भी जैसा मैं बताई थी इसके पहले एक और था, ठीक। अब देखो आपने धनुश्री जी आपने पूछा था ना कि अगर ऊपर नीचे अगर हो तो क्या होगा, ठीक है, मतलब कौन से एरिया को अच्छा मानते हैं, ठीक। तो ये शेप जैसे ही बदल गया, ये जब ये उल्टा था तो क्या था, अलग था, और ये आ गया तो क्या हो गया, तबला का शेप में आ गया। कैसा शेप आया? तबला का शेप आ गया। तबला। और इसके जो पहले का शेप था उसको क्या बोलेंगे? सिंहा मुखाकार। हाँ, तो ये तबला के शेप में अगर प्लॉट है, जैसे जिसकी दिशा ये हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तो ऐसे का जो मालिक जो रहेगा उसको लोग तबले की तरह, तबले की समान जहाँ भी रहेगा पिटाते रहेगा, जहाँ भी रहेगा पिटाते रहेगा। फिर बहुत लोगों की प्लॉट इस टाइप की भी होती है, ऐसा कोनाकारी टाइप का, जिसके पहले भी बता दे, ऐसा में लॉसेस और प्रॉफिट दोनों ही होता है, लॉसेस एंड प्रॉफिट दोनों ही उठाना पड़ता है। अब आइए, ये आप लोग अभी ही इसको नोट कीजिए रेसिडेंशियल, क्योंकि कुछ ही टाइम में हम लोग जब देवताज 45 देवताज जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो रेसिडेंशियल वास्तु हम लोगों का चालू हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से वो प्रैक्टिकल है सारे, फिर आप लोगों को फटाफट वो चीज़ें सारे कवर होने लगेंगे। तो ये आप लोगों को फ्लैट में भी काम आएगा, अगर हमारा कोई प्लॉट है कोई, मान लो इस टाइप का आया, जब हमने वास्तु जब हमने डिज़ाइन किया तो ये एरिया बहुत बार होता है कि इस टाइप से बढ़ा हुआ, अगर इसको नॉर्थ मान लो, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ये हम लोग 8 पर हैं, ठीक है, थीके? आप लोगों को मालूम है टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं? 8, 16, टोटल 16 डायरेक्शन होते हैं, 16 डायरेक्शन, यानी कि हर, जैसे ये हुआ तो इस पॉइंट को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ, वेस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, टोटल हो गए 16 डायरेक्शन, टोटल 16 डायरेक्शन होते हैं, ये सारे हम लोगों को आगे जाके काम आएगा, ठीक। अब देखते हैं कि आग्नेय की तरफ जो घटा हुआ होता है, आग्नेय जोन किसको बोलेंगे? नॉर्थ। आग्नेय मतलब अग्नि, अग्नि मतलब साउथ,
अग्नि कोण, यानी कि ये क्या हो कि ईशान, अगर हम यहाँ से ईशान कोण से ये देखो कौन सा एरिया बढ़ा हुआ है इस घर में, साउथ ईस्ट बढ़ गया ना, साउथ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ये जोन बढ़ा ना ये वाली, अच्छा ये साइड में। हाँ साउथ साउथ ईस्ट ये बढ़ा, तो इसको बोलते हैं कि आग्नेय के तरफ घटा हुआ भूखंड शुभ फल देता है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो खराब फल देता है। आग्नेय के तरफ घटा हुआ शुभ फल देगा, जो भूपति होते हैं यानी भूस्वामी यानी घर के मालिक जो होते हैं वो उनको धनवान बनाता है। आग्नेय के तरफ अग्नि की तरफ घटा यानी हुआ, साउथ 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 जोन जो होगा, साउथ जोन अगर घटा हुआ है वैसा प्लॉट होता है, शुभ फल देने वाला होता है और धनवान बनाता है। लेकिन इसमें बड़ा हुआ है। हाँ तो ये एग्जाम्पल आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसा अगर होगा इस केस में ये चीज होगा। अब हम लोग आते हैं कि यही एरिया दूसरा मैं बना रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो यानी इसको बोलेंगे आग्नेय, साउथ अलग होता है हमेशा याद रखना, और साउथ वेस्ट जो होगा साउथ वेस्ट वो उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। ये हो गया आग्नेय कोण, इसको मैं एक बार और बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो, है ना। आग्नेय कोण यानी आग्नेय कोण में बढ़ा हुआ भूकंप भूखंड अशुभ फल देता है, बढ़ा हुआ जो एरिया होता है वो अशुभ फल देता है, बढ़ा हुआ एरिया अशुभ फल देता है। क्या हो गया ये साउथ वाला जो एरिया ये बढ़ गया ना, ये देखो ये बढ़ गया ना इधर, और इधर क्या हो गया कट गया, ये हो गया ईशान कोण, यानी ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट है ना, एरिया कट गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कट गया और साउथ वेस्ट क्या हो गया बढ़ा हुआ हो गया, तो ये ऐसे में क्या हो गया अशुभ फल देने लगेगा। लेकिन यही अगर ये ऐसे आया तो ये एरिया क्या हो गया कट गया, यानी साउथ कट गया, और नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या है यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ हो गया, साउथ एरिया कटने के कारण अशुभ फल देगा, और ये अगर एरिया बढ़ गया तो ये अशुभ फल देने लगेगा। तो हमें बढ़ा हुआ एरिया क्या चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ हो, नॉर्थ बढ़ा हुआ हो तो उसको शुभ फल देने वाला मानते हैं, लेकिन जस्ट अगर उल्टा हो गया तो ये उल्टा काम करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग क्लास मिस कर दिया, पेशेंस नहीं है, बेसिक अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर तो आगे दिक्कत ही होगी ना। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये देखो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अब ये क्या बोल रहा है, ईशान कोण में घटा हुआ भूकंप भूखंड, ईशान कोण में कैसे घट गया भूखंड, ये जो है ये काट दिया, ये काट दिया, कट गया ये, यानी ईशान कोण में घटा हुआ भूखंड जो है वो अशुभ फल देगा। जैसे वाइस वर्षा हो गया, अभी अभी जो मैं बता रही थी कि साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो अशुभ फल दे रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो अशुभ फल देगा, वैसे जगह पे आर्थिक हानि होगी, साथ साथ में बीमारी भी बढ़ेगा, बीमारी भी आएगी। सेम चीजें ईशान कोण, जैसे ही ईशान कोण का नाम लूंगी आप लोगों को याद आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक, ईस्ट, आग्नेय कोण यानी कि साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट,
इसके पहले भी कहीं गलत हुआ है तो ना, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। ठीक, तो ये क्या हो गया, आग्नेय कोण क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक, ये एरिया बढ़ा हुआ है, आग्नेय कोण जब बढ़ा हुआ रहेगा तो ऐसे में वायव्य कोण भी बढ़ा हुआ हो जाएगा। ऐसे में अगर इसको हम लोग बढ़े हुए एरिया को छोड़ दें अगर, तो ऐसे देखेंगे इसको, इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। इस तरीके से ये प्लॉट ऐसे आ जाएगा। तो आग्नेय कोण में बढ़ा हुआ भूकंप होगा वो हमेशा वायु कोण भी बढ़ा हुआ रहेगा और जिसके कारण अशुभ फल देगा। यानी कि हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अगर साउथ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट भी अगर बढ़ा हुआ हो गया तो ऐसे में अशुभ फल देने लगेगा। सेम हम लोग अगर देखते हैं कोई, ये देखो आप, ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ। अब क्या करें, आग्नेय कोण में घटा हुआ क्या घट गया, ये कट गया, ये एरिया कट गया। ठीक, मतलब ये हमारा, ये एरिया हमारा कट गया। ठीक, यानी कि आग्नेय कोण में घटा हुआ और वायव्य कोण में बढ़ा हुआ, यानी कि ये इधर का एरिया क्या हो गया, इधर का एरिया बढ़ गया, सारे इधर के ये एरिया हमारा बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ कोण क्या होगा, भूकंप जो होगा शुभ फल देगा, क्योंकि साउथ ईस्ट कटा हुआ अच्छा ही मानते हैं और नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया तो शुभ फल देगा, ऐसा शुभ फल देने लगेगा। क्या बढ़ गया यहाँ पे, ईस्ट हो गया ये साउथ, वेस्ट नॉर्थ, ठीक, और साउथ वेस्ट यानी नर्तक्य कोण, यानी जो भी भूखंड है धन संपत्ति की हानि के साथ साथ संतान का सुख भी देगा। अगर धन संपत्ति का हानि हो रहा है, सॉरी, धन संपत्ति का हानि के साथ साथ में संतान का दुख भी देगा, ऐसा प्लॉट, ऐसा प्लॉट जो साउथ वेस्ट क्या, साउथ साउथ ईस्ट क्या हो गया, बढ़ा हुआ हो गया, बढ़ा हुआ है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट भी बढ़ा हुआ है, दोनों ही बढ़ा हुआ है, दोनों ही बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं ये जो प्लॉट है, ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा स्लाइट ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर स्लाइट भी होता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट यानी नर्तक्य कोण, क्या यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे हमारा नर्तक्य कट रहा है, ये नर्तक्य कोण साउथ वेस्ट कटा हुआ है और ऐसे कट के शेप, जमीन का शेप पूरा ही अलग हो गया। ऐसे जो बनता है वो क्या करते, कष्टकारक होता है, गरीबी भी देता है अशुभ फल भी देता है, गरीबी भी देता है और अशुभ फल भी देता है। ठीक, अगर हमारा प्लॉट मान लो स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में ऐसा भी है तो हल्का टेढ़ा मेरा भी अगर जमीन है ना तो फल, शुभ फल ही देता है, वो
शुभ फल देता है। कोई दिक्कत? नो मैम। हमेशा ध्यान रखना है, दो चार पॉइंट को ध्यान रखना है। दो चार पॉइंट में ये ध्यान रखना है आपको, जो ईशान कोण होता है यानी कि नॉर्थ ईस्ट, हमें नॉर्थ ईस्ट जोन, ये हमेशा ही शुभ फलदायक होता है। तो कभी भी यहाँ गलती से भी कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर वास्तु दोष वहाँ पे होता है तो वास्तु दोष वहाँ का रिमूव नहीं होता है, ठीक। उसका एक ही ऑप्शन होता है कि उसको तोड़ के उस एरिया को ठीक करना। तो जिस भी अगर प्लॉट जो होती है, अगर वहाँ पे हम बनाते हैं कोई भी मकान या कुछ भी, तो हमेशा यश और प्रसिद्धि ही देने वाला होता है। आग्नेय कोण का यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अगर ये बढ़ा हुआ है तो हमेशा ही अशुभ फलदायक होता है, अशुभ फलदायक होता है, यानी धन हानि देता है, हेल्थ खराब करता है और राज्य में बाधा देता है। राज्य में बाधा देता है यानी किसी भी तरीके का जो राज्य का सपोर्ट होता है वो सपोर्ट नहीं मिलता है। नृतज्ञ, नृतज्ञ कोण, इस कोण यानी कि साउथ वेस्ट, ये भी हमेशा अशुभ फलदायक होता है, अशुभ फलदायक होता है। ऐसे में शारीरिक क्या होता है ना, अशुभ, अशुभ फलदायक होता है। ऐसे में शारीरिक अशुभ भी और फलदायक भी, अशुभ फलदायक मतलब अशुभ फल देने वाला। अच्छा, ऐसे में शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट देता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट देता है। वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये भी अशुभ फलदायक होता है, अशुभ फलदायक होता है। जनरली इसमें मानसिक, मानसिक अशांति यानी मेंटल प्रॉब्लम, धन हानि और परिवार को कष्ट देने वाला होता है, परिवार को कष्ट देने वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। अब हम लोग अगला जो क्लास होगी ट्यूसडे को, उसमें हम लोग रोड पढ़ेंगे, रोड। ओके, जब रोड हमारा आज का क्लास, हाँ आज का खत्म हो गया, रोड जब खत्म अच्छा था मैम कि आप वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे बेटर समझ में आ रहा है। हाँ, वास्तु का मतलब ही होता है वो, जब तक आगे में ड्रॉ करके ना दिखाओ ना तो चीजें नहीं क्लियर हो, क्योंकि वर्बली कितना कैसे खुद ही कंफ्यूज, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ दिशा में। और ऐसे क्या है, सामने में जब दिशा दिखते रहता है, तो अब रोड पढ़ेंगे कि रोड कहाँ से कहाँ, किधर से किधर निकलेगा, तो रोड अशुभ फल देगा। ठीक, इसके बाद इसके उपाय दोष पढ़ेंगे कि कौन सा दोष दे रहा है, फिर इसका उपाय क्या करना चाहिए, और देन उसके बाद से हम लोग आएंगे 45 देवताज। ओके, 45 देवताज के बाद से आएंगे हम लोग गेट, एक एक करके गेट पढ़ेंगे। ठीक, जब हम लोग 45 देवताज हमारा कंप्लीट होगा, गेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि रेजिडेंशियल वास्तु में आप घुस गए। और जब रेजिडेंशियल वास्तु में, तो सबसे पहले हम लोग गेट पढ़ेंगे कि गेट की जो एंट्रेंस होती है पूरा 36 टाइप की एंट्रेंस होती है वो 36। जब गेट हमारा कंप्लीट होगा तो फिर देन आएंगे हम लोग किचन में, किचन के बाद आएंगे टॉयलेट में, टॉयलेट के बाद आएंगे हम लोग बेडरूम, मंदिर, ऐसे कर कर के सारे एक एक करके हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग रेसिडेंशियल वास्तु पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को फिर एक प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप लोगों का भी किसी न किसी का घर का आप लोगों को वास्तु करके बताना है। ठीक है, ठीक है मैम, वो असाइनमेंट होगा आप लोगों का। ओके मैम, ऐसे नहीं होता ना रेसिडेंशियल में हमेशा दरवाजा, मतलब जो
सीखना है अभी, लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट या अलग डायरेक्शन में, अगर दरवाजा कौन से डायरेक्शन में होना होता है रेसिडेंशियल में? अब एक सबसे ऑस्पिशियस कौन सा एरिया आपको बताया जहां से एनर्जी आनी चाहिए? नॉर्थ, और ईस्ट? ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हो वो ऑस्पिशियस, यानी एनर्जी हम ये जो बहुत ही जिसको बोलते हैं ना मूल मंत्र, आप वास्तु का मूल मंत्र यही है कि जो अच्छी दिशा, अच्छी एनर्जी आने वाली है, यानी नॉर्थ और ईस्ट से एनर्जी को घुसना चाहिए हमारे घर में, ठीक, और साउथ और वेस्ट से एनर्जी हमारी निकलती है। बट वैसे कुछ घर होते हैं जिनकी नॉर्थ और ईस्ट पूरी बंद होती है और साउथ और वेस्ट खुला हुआ रहता है, खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, मतलब मैक्सिमम खिड़कियाँ होती हैं या बालकनी होती है, उस घर में पैसे कभी नहीं रुकते हैं, पैसे बहुत किसमें ज़्यादा, किसमें मैम? जहाँ एनर्जी आने की जोन अगर बंद है, ठीक है, एनर्जी आने की ओके, जोन मतलब बंद है और एनर्जी निकलने का, नॉर्थ एंड ईस्ट। हाँ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका बंद है, ठीक है, वहाँ से ऊर्जा ओके यानी वहाँ से एनर्जी नहीं आ रही है और निकलने की सोर्स जो है वो खुली हुई है, तो क्या निकलेगा आपके घर से? आपके घर से धन धान्य निकलेगा, धन। हाँ, मतलब आने की सोर्स तो नहीं है लेकिन जो है वो भी निकलने का सोर्स है, तो क्या बढ़ेगा? खर्चे बढ़ेंगे, किसी भी तरीके का खर्चा, आप बीमारी से बढ़े या किसी भी तरीके से बढ़े, मतलब उसी आमदनी में कोई आदमी बहुत सेविंग कर लिया बट उसी आमदनी में आपकी बिल्कुल सेविंग नहीं होगी और मालूम भी नहीं चलेगा कि पैसे आपके जा कहाँ रहे, है ना? तो फिर नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आनी चाहिए, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ 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 ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यानी हमारे कितने डायरेक्शन मिल गए टोटल? 16 नॉर्थ, नॉर्थ एक देखो नॉर्थ ऐसे पकड़ो, नॉर्थ ईस्ट दो हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट तीन हो गया, ठीक, अब उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में दो जोन हो गया, तो हो गया 5 और इधर 7, यानी 7 आपको मिल रहे हैं, हाँ सात नहीं 8 मिलेंगे, 8 आपको ऑस्पिशियस जोन मिल रहा है जहां से एनर्जी आनी चाहिए। और अगर ये जगह पर विंडो हुआ तो जाएगी, मतलब कहाँ से? नहीं आना कैसे भी आए, विंडो से आए, लाइट, अगर सनलाइट आ हाँ रही है कैसे ये भी, जोन से। हाँ इस जोन से विंडो हो, चाहे आपका वेंटिलेटर हो, चाहे आपके दरवाजे हो, कुछ भी होना चाहिए, ओपनिंग होना चाहिए, है ना? और साउथ में अगर ओपनिंग ज़्यादा हो रहा है, वेस्ट में अगर ओपनिंग ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि वैसे एरिया को भारी कर दें और उसको बंद करके रखें, तो सुबह में आप आधा घंटा धूप लगाइए, घर में रोशनी लगाइए, लगा के उसको बंद कर दें। तो फ्लैट में तो मेजर टाइम दरवाजे बंद ही होते हैं। देखो अगर ऑस्पिशियस जोन में है तो थोड़ा खोल के आप रखो, सुबह शाम में खोल के रखो, दिया बाती करने टाइम में आप खोल के रखो, अच्छा है ना? ठीक है अच्छा मैम, लग रहा है क्लास? आज अच्छा लग रहा है, हाँ मतलब पहले अच्छा लगा बट आज थोड़ा समझ